का उत्तर प्रदेश लेखपाल के इस वीडियो में आज हम लोग हिंदी के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर 2015 में आए हुए हैं, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा बार बार कहते हैं कि हमें अच्छी तैयारी करनी है, उसके लिए हमें पहली सी बुक बताइए। तो एक बहुत ही सुंदर सी बुक है, बहुत ही कम प्राइस की बुक है, वो आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आप इसको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आइए थोड़ी सी इंडेक्सिंग की बात करते हैं और बुक दिखने में कैसा है, कौन से पब्लिकेशन की है, ये सारी बातें करते हैं। बुक यहां पर आपके सामने दिख रही है जो कि उत्तर प्रदेश ग्राम समाज और विकास यानी कि पूरी की पूरी तरीके से लेखपाल पर डिपेंडेंट बुक है। ये SRR पब्लिकेशन किताब है जिसमें आपको 200 पेपर देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर आए हैं और 1100 प्लस प्रश्नों का पूरा संग्रह आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके बार बार पूछे गए हैं। 100% गारंटीड बुक है, आपको कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ये आपको SRR पब्लिकेशन की किताब है, बहुत ही सुंदर सी किताब है, आगरा में किताब छपती है, बहुत ही कम प्राइस में आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन किताब हर जगह अवेलेबल मिल जाएगी। आइए थोड़ी सी इंडेक्सिंग की बात करते हैं, 10 सेकंड आपका टाइम लूंगा। इंडेक्सिंग में आपको देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग और इस तरीके से सब कुछ पॉइंट वाइज आपको दिखा हुआ मिलेगा। हर एक पृष्ठ संख्या भी यहाँ पर दिखेगी, जो भी चीज़ आपको पढ़ना होगा पेज वाइज आप पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बता दूं वो ये है कि यहां पर आपको थियरी के फॉर्म में कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी। देखिए कोई भी चीज अगर आपको पढ़ना है, मान लीजिए राजस्व परिषद के अनुसार आपको पढ़ना है कुछ भी, क्या चीज होती है, तो ये कि यहां पर पॉइंट वाइज लिख दिया गया है जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी चीज खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक एक पॉइंट आप हर चीजों को पढ़ सकते हैं। तो मिनिमल प्राइस है, हर एक इनकी जो लेखपाल की है गाइड भी आती है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, जो भी प्रीवियस ईयर 2015 में पूछे गए हैं हिंदी के क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग हिंदी का। देखिए पार्ट वन है, 2015 में ये सारे 25 के 25 क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है। कारक पूछा, जैसे आपने देखा होगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान के लिए संबंध का अधिकरण में पर, इस तरीके से क्या होता है कारक होते हैं। तो यही पूछ रहा है वह अगले साल आएगा इसमें कौन सा है। तो देखिए इसमें अधिकरण कारक होगा क्योंकि हम बोलेंगे वह अगले साल में आएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 पे कि उदय शब्द का विलोम क्या होता है। उदय मतलब क्या होता है, कोई भी चीज निकलना, ठीक है। तो उदय का विलोम क्या होगा भाई, अस्त होना, ठीक है। सूरज उदय हो रहा है, सूरज अस्त हो रहा है, ठीक है। सूरज उदय होने का अपोजिट क्या होगा, वो होगा अस्त। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। भविष्य काल क्या होता है, जैसे जिस क्वेश्चन में क्या होगा कि मैं करूंगा, मैं आऊंगी, मैं जाऊंगा, जिसमें गा गएगी ये सब लगा होता है, क्या होता है वो भविष्य काल होता है। तो पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चन 2015 में आए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ऊंट के मुंह में जीरा। प्यारा सा क्वेश्चन है, सबसे सभी को पता होगा जब क्या होगा है, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, या फिर किसी अधिक चीज़ की अपेक्षा हो और कम मिलना, उसको भी क्या बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। जूते चाटना, ठीक है। देखिए जूते चाटने का मतलब क्या होता है, किसी की क्या करना बहुत ज़्यादा कि भाई उनको मक्खन लगाना, ठीक है, कि आप बहुत अच्छे हैं इस तरीके से करते हैं। यही ऑप्शन है यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्या होगा, खुशामद करना, यानी कि उनको हमेशा खुश रखना, जैसे बोलते हैं भाई जूते चाटने वाला इंसान है, कि मतलब उस इंसान को बहुत ज़्यादा खुश रखता है ताकि इसका प्रमोशन कर दे, उसको बहुत माने, है ना। तो क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 पे। नेक्स्ट हमारा है कि माता जी को, देखो क्वेश्चन पहले यहाँ पर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन पढ़ लो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो 6 हमारा है कि माता जी को क्या है, माता जी को प्रणाम करना, ठीक है। आप माता जी को आशीर्वाद दोगे, नहीं दोगे, शुभकांक्षा दोगे, नहीं दोगे, स्नेह दोगे, नहीं, लेकिन हाँ आप कहोगे भाई माता जी को प्रणाम कहना, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 7th है कि ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता वो क्या कहलाता है। हमारे यहाँ अगर कोई मेहमान आते हैं, अरे भाई आप आ गए, अरे बताया होता पहले, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, तो क्या होते हैं वो अतिथि होते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची कौन सा होता है। स्वच्छ मतलब क्या होता है, बहुत ही साफ सुंदर, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं गंगा का पानी बहुत ही निर्मल है, यानी कि बहुत ही स्वच्छ है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। 8 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं चैनल को करिएगा सब्सक्राइब ताकि सारी वीडियोज़ आपको लेखपाल से रिलेटेड आपको मिल सकें। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या करना है कि आपको एरर ढूंढना है, जैसे इंग्लिश में आता है एरर, इसमें भी एरर ढूंढना है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं,
तो आपको क्या इसमें कोई गलती लग रही है? आप खुद बोल के देखो, मुझे कल 2 किलो लीची लेनी है, लीची खरीदनी है, तो क्या होगा? कोई त्रुटि है क्या इसमें? नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़े, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। क्या बोलने में अच्छा लग रहा है, एक बार बोल के देखना, अपने अपने किताबें बस्ते में डालो। नहीं, अपनी अपनी किताबें बस्ते में डाल लो, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, एरर है, तो ए हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें क्या कह रहा है कि जैसे एक अनेकार्थी शब्द बताने हैं, जैसे प्रमत्त का एक मतलब होता है स्वेच्छाचारी, ठीक है। दूसरा मतलब क्या होता है, दूसरा मतलब होता है प्रमत्त का उन्मत्त, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था ये, तो एकाक क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं ताकि सभी के सभी क्वेश्चन हर कोई सही ना कर पाए। तो 11 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 की, कनक का एक मतलब होता है धतूरा, दूसरा बता दो क्या होता है। हमने एक दोहा सुना होगा, चाहे आप चौपाई कहो क्या है वो, कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ये वाला आपने सुना है ना। तो कनक का एक मतलब होता है धतूरा और एक मतलब क्या होता है, सोना। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ें, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, रीति अनुसार। इसमें संधि पूछा है कि अगर रीति अनुसार लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं, ऋतु तो होगा ही नहीं, ठीक है, खाली रीत अनुसार इस तरीके से तो होगा नहीं। रीति लिखा हुआ है तो क्या होगा, रीति हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ, टाइम वेस्ट ना हो, आसान सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में है कि इसमें शुद्ध वाक्य पहचानना है। सबसे हमारा पहला ऑप्शन है, वह एक महिला विद्वान थी। बोलने में क्या अच्छा लग रहा है, वह एक महिला विद्वान थी, बोल के देखो अच्छा लग रहा है। तो जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना, उसको हम लोग गलत कर देते हैं। बी ऑप्शन है, वह एक विदुषी महिला थी। विदुषी मतलब क्या होता है, विद्वान का अपोजिट क्या होता है, विदुषी होता है। यानी कि विद्वान मतलब होता है बहुत ज़्यादा ज्ञानी, सब कुछ जानने वाला, और उसी को अपन अपोजिट करते हैं। मतलब अपोजिट मतलब कि अगर हम उसको स्त्रीलिंग में देखते हैं तो विद्वान का होता है विदुषी। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट है कि वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। बिल्कुल यही हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। बी ऑप्शन देखो, वह सप्रमाण के साथ अपनी बात, सप्रमाण में ही जुड़ गया कि सहित बताएगा, तो सप्रमाण के साथ यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन है, वह प्रमाण के सहित अपनी बात बताएगा। प्रमाण के सहित नहीं होता है ना, प्रमाण के साथ, प्रमाण सहित होता है, प्रमाण सहित में ही प्रमाण के साथ जुड़ जाता है। तो इसको बार बार, एक ही बार को दो बार रिपीट नहीं करना होता है। डी ऑप्शन देखो, वह सप्रमाण सहित, एक तो सप्रमाण भी लिख दिया और सहित भी लिख दिया, तो क्या होगा, ये भी गलत होगा। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 पे, कि 16-17 कहता है, लिखित वाक्यों में से एक शब्द को आपको चुनना है। किसी की सहायता करने वाला क्या होता है, बताओ भाई। अगर मैं किसी की सहायता कर रहा हूँ तो क्या होगा, हेल्पर तो होगा। तो हेल्पर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहायक बोलते हैं। भला चाहने वाला, अगर कोई आपका भला चाह रहा है तो क्या है, वो आपका क्या है, गुड विशर है, वेल विशर है। तो क्या होगा, वेल विशर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हितैषी बोलते हैं। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़े, थोड़ा सा ही क्वेश्चन और बचा हुआ है, देखो थोड़ा सा यहाँ पर रस का क्वेश्चन आ गया है। अखिया हरि दर्शन की भूखी, ठीक है, कैसे रहें रूप रस राशि, ए बतिया सुन रूखी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। ये तो हमको पता चल रहा है कि जब यहाँ पर अखिया हरि दर्शन की भूखी, मतलब कि किसी के दर्शन करना चाह रही है, तो इसका मतलब वियोग है, लेकिन प्रेम में हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर श्रृंगार भी जुड़ जाएगा। तो वियोग श्रृंगार रस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग अभी मैंने आपको बताया था उस वाले क्वेश्चन में, देखो यही वाला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, वह एक विदुषी महिला थी। तो विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव क्या होता है, तद्भव वो शब्द होते हैं जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में अपने हिसाब से ठान लेते हैं। जैसे हम लोग पहले के जमाने में लोग बोलते थे सूर्य, हम लोग अब क्या बोलते हैं, सूरज बोलते हैं, है ना। तो यही चीज समझ करके चलो, तो क्या होगा इसमें, जो तद्भव शब्द क्या होगा, प्यास, मुझे प्यास लगी है, ठीक है। ये चीज जो आपको बोलने में अच्छा लगे, जो आपके हिसाब से सही हो जाए, वही तद्भव शब्द होता है। बाकी तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से एज इट इज हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, वो तत्सम होते हैं। और तद्भव क्या होते हैं, जिसको हम संस्कृत से बदल करके अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, वही तद्भव होते हैं। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 पे, काली घटा का घमंड घटा, बताओ भाई इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। यमक अलंकार होता है काली घटा का घमंड घटा, क्योंकि यहाँ पर जो घटा शब्द है, इनका लिखा तो सेम है लेकिन मतलब क्या है, दोनों अलग अलग है, वही होता है यमक अलंकार। आगे बढ़े, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो चाकू शब्द अपने आप में ही बहुवचन है, तो इसका कोई भी बहुवचन नहीं होगा। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 23 की, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। त्रिवेणी, जहाँ पर तीन चीज़ें मिलती हों, तीन वेड़ियों का संगम,
तीन वेड़ियों का संगम क्या होता है? त्रिवेणी होता है। जैसे हमारा संगम प्रयागराज, तो क्या होगा? हमारा दीगु समास होगा। वो शब्द जिसमें संख्यावाचक पहले आता है उसको हम क्या बोलते हैं? दीगु समास बोलते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम अभी आपको ऊपर बताया था, तद्भव। तद्भव क्या होता है? जो अपनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। जबकि तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत से एज इट इज ले लिए गए हैं। तो देखो, निष्कृष्ट जो होता है वो संस्कृत से एज इट इज ले लिया गया है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की सीरीज का, निम्नलिखित वाक्यों में से मोटे छपे शब्द का शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यानी कि जो मोटे शब्द कौन सा है? अत्यधिक यहां पर लिखा हुआ है, ये पूछ रहा है कि ये तो गलत लिखा हुआ है, आप सही बता दो क्या है। तो क्या कैसे लिखा जाएगा? आ लिखो, ता लिखो, और यहां पर धिक इस तरीके से लिखा जाएगा। जबकि उसमें क्या कर दिया है? यहां पर लगा दिए हैं बड़ी की मात्रा, जो कि गलत होगा। तो ए ऑप्शन यहां पर सही हमारा हो जाएगा, जो कि यही हमारा शुद्ध वर्तनी होगा। तो 25 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए। कल हम लोग जीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ऑन करिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और सारी बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, ठीक है।